फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपको पता चल गया हो कि हम बात करने वाले हैं अपने पीएफ प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अपने केवाईसी यानी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक अकाउंट की डिटेल को कैसे अपडेट करेंगे। इसके लिए एक्चुअली कई सारे रिक्वेस्ट आए कि आप इस पर वीडियो बनाएं, तो हम इस पर आज बना रहे हैं, जो बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप इजी एक्सेल ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं कि अपने पीएफ और ईपीएफ में कैसे केवाईसी अपडेट करना है, वो भी हिंदी में और इजी माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको गूगल क्रोम में ही करिएगा, क्योंकि गूगल क्रोम इसमें अपडेट करने के लिए सपोर्ट करता है। पीएफ टाइप करना है। पीएफ टाइप करने के बाद आपको पहले ही इस ऑप्शन में क्लिक करना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो पे रिडायरेक्ट कर देगा। ये पूरी विंडो जो आ रही है, ये आ रही है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। तो आपको यहाँ दाएं साइड में देखेंगे, ये यहाँ पर आपको जाना है। ऊपर से सेकंड नंबर का ऑप्शन जो आ रहा है, ये केवाईसी अपडेशन मेंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब ये इस विंडो पे आपको दाएं साइड में जाना है। दाएं साइड में जो ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर यूएन नंबर आपको डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा इंटर करना है। तो इसके लिए आपके पास यूएन नंबर जनरेट हुआ होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास मेरा यूएन नंबर जनरेटेड है, मैं इसमें इसका यूएन नंबर और पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं साइन इन करूँगा। जैसे साइन इन करूँगा तो ये यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। साइन इन करते हैं, ये आपका ओपन हो गया। तो यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल ओपन हो गई है। मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरी डिटेल अपडेटेड है। यहाँ पर आपको कई सारी डिटेल मिल जाएंगी, मेन्यूज मिल जाएंगे। मेन्यू की हम बात करें तो यहाँ होम मेन्यू है। उसके अलावा व्यू मेन्यू पे आप जाके प्रोफाइल अपनी देख सकते हैं। अब आपको चूंकि केवाईसी करना है तो आपको मैनेज मेन्यू पे जाना है और सेकंड नंबर ऑप्शन जो आता है केवाईसी, इस केवाईसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप बैंक की डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। मैंने गूगल क्रोम इसलिए कहा क्योंकि गूगल क्रोम में ही ये चीज़ें हाईलाइट होती है। तो मान लो पैन कार्ड अपडेट करना है तो इस पर चेक मार्क पे क्लिक करिए और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नंबर करना है और जो डॉक्यूमेंट पे नाम है वो इंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम इंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करूँगा। जैसे ही करूँगा यहाँ पर ये डिजिटल अप्रूवल के लिए यहाँ पर पेंडिंग दिखा देता है। यानी ये जब हम बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ केवाईसी पेंडिंग अप्रूवल नाम का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए मेरी सारी चीज़ें डिस्प्ले हो गई हैं। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा तो आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पुराना मेरा नाम का जो करेक्शन कराना है वो नए नाम पर करेक्ट होके आ जाएगा। तो ये करेक्ट होके यहाँ पर लिख जाएगा वेरीफाइड बाय ITD। ये 1 वीक से 15 दिनों के अंदर, यानी 7 डे मैक्सिमम से मैक्सिमम लगता है जो मैंने कराया हुआ है, तो हो जाता है अपडेट और उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप अपने आधार को भी यहां से अपडेट कर सकते हैं, चेक कर। तो आधार को भी आप इसी तरह अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह आप बैंक डिटेल को भी यहां से ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर यानी बैंक अकाउंट नंबर, उस पे नाम क्या है और RFSC कोड यहां पर एंटर करके कर सकते हैं। आई होप इजी एक्सेल ज्ञान का ये वीडियो PF KYC अपडेट करने का आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें कैसा रहा, और इस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।